दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो डॉक्टर के पास नहीं गया होगा। अगर आप भी डॉक्टर के पास गए हैं तो आपने भी जरूर देखा होगा कि डॉक्टर बड़ी खराब लिखावट में दवाओं का नाम लिखते हैं। ऐसा कोई एक डॉक्टर करे तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो सभी का हाल लगभग बराबर होता है। कई लोगों के मन में यह ख्याल भी आता है कि डॉक्टर जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप भी सोचते होंगे कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टरों दवाइयों का नाम इतनी गंदी हैंडराइटिंग में क्यों लिखते हैं? आखिर ये ठीक ठाक राइटिंग भी तो लिख सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का क्या रीजन है, चलिए इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। पिछले दिनों किए गए एक सर्वे में आई रिपोर्ट की माने तो जब डॉक्टर से पूछा गया कि हर डॉक्टर अपने पर्चे में इतनी अजीब हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं होता। हमने डॉक्टर बनने से पहले बहुत मेहनत की है, जिसके कारण हमें बहुत कम समय में बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते थे। इसलिए समय बचाने के चक्कर में हम बहुत ही तेजी से लिखते थे। इस कारण ही हमारी राइटिंग बहुत अजीब हो गई। यही नहीं, डॉक्टर का यह मानना है कि अगर आप भी बहुत ही तेजी से लिखना शुरू कर दे तो आपको भी डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई हैंडराइटिंग समझ में आने लग जाएगी। काफी हद तक डॉक्टर्स की बात सच है, लेकिन दवाओं के मामले में ऐसा करना पल्ले नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि हम लोग रोचक बात की बात करें तो हर साल 7,000 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की इन गंदी हैंडराइटिंग के कारण ही हो जाती है। क्योंकि डॉक्टर्स जो हैंडराइटिंग लिखते हैं वो मेडिकल स्टोर वाले समझ नहीं पाते, वो सिर्फ डॉक्टर द्वारा लिखे पहले अक्षर के मुताबिक ही दवाइयाँ दे देते हैं, जिसके कारण बहुत बार गलत दवाइयाँ दे दी जाती है। इसके चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात किया कि डॉक्टर जो है यह गंदी हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, सभी बातों के बारे में हमने जाना। तो आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।